मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी जो जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं घोड़े पर सवार होके, और वो आदमी अपने आप को जैसे तैसे कर बचाते हुए दूर भाग रहा होता है। तभी एक किचम नाम का आदमी जो उस आदमी पे गोली चलाता है, और तभी वो आदमी वहीं गिर जाता है। फिर उसके पास जाके एक आदमी के बारे में पूछता है, पर वो बताने से मना करता है। तब वो उसे टॉर्चर कर गले में रस्सी बांध कर ले जा रहा होता है। तभी वो कहता है कि वो ईस्ट की ओर गया है और कहता है उसे छोड़ने के लिए। तब जो किचम रहता है वो कहता है, हम अभी तुम्हें आजाद कर देते हैं, और वो उसे वहीं मार देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हेनरी नाम के आदमी को दिखा आया जाता है। वो अपने बेटे वेट और अपने ब्रदर इन लॉ एल के साथ एक फार्म में काम कर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद जब एल कहता है कि वो बर्ड हंटिंग के लिए जा रहा है, तब हेनरी अपने बेटे से कहता है कि वो जाके उसकी मदद करे। और फिर वेट को उसकी मदद करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद वो अपने खाने का इंतजाम कर रहे होते हैं, और फिर जब वो लकड़ी काट रहे होते हैं, तभी वेट को एक घोड़ा दिखता है, जहां वो हेनरी को बताता है और दोनों देखने जाते हैं। वो किसी अनजान का घोड़ा रहता है। तभी हेनरी उसे अपने बेटे को देख के कहता है, इसे घर ले जाओ, और वो निशान देख अपने घोड़े से पीछा करता है, जहां उसे एक आदमी बेहोश मिलता है जिसे गोली लगी होती है, और उसके बैग जो पैसे से भरे होते हैं, और उसकी गोली जो वहीं पड़ी रहती है। तभी हेनरी वहां से चल देता है, पर कुछ दूर आगे जाके रुकता है, और फिर वापस आके वो बैग और गन लेता है, और जहां वो आदमी पड़ा रहता है वो निशान मिटा के अपने साथ ले जाता है अपने घर, और अपने बेटे के मदद से उसे अपने घर में ले जाके उसका इलाज करता है, और अपने बेटे को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। और वो बाहर आके वो बैग लेके अपने कमरे में जाता है और डोर बंद करके अपने कवर्ड में एक सीक्रेट स्टोरेज खोलता है, जहां दूसरी ओर वेट डोर के नीचे से देख रहा होता है। और तभी हेनरी को लगता है कि कोई देख रहा है, और वो देखता है, पर जब तक वेट वहां से हट जाता है। और फिर सुबह होती है, जहां हेनरी उस आदमी को बांध रहा होता है घर से बाहर जाने से पहले, और अपने बेटे से कहता है, इस पे बस नजर रखना, मैं आता हूँ। और तभी केचम का साथी स्टिलवेल को दिखाया जाता है, जो निशान को ट्रैक करने में माहिर होता है। और दूसरी ओर केचम अपने दूसरे साथी दुगन के साथ खड़ा रहता है और स्टिलवेल से पूछता है, क्या हुआ, कुछ मिला तुम्हें? दूसरी ओर हेनरी अपने घर से घोड़े के साथ निकलता है और एक जगह पे पहुंच कर अपने घोड़े को बांध देता है, और घास की मदद से उन तीनों के नजदीक जाता है उनकी बात सुनने के लिए, जहाँ उसे पता चलता है कि वो लोग उस आदमी को ही ढूंढ रहे हैं। और तभी एक आवाज होती है और स्टिलवेल हेनरी की ओर बढ़ता है अपने साथियों के साथ, पर जब तक उन्हें कुछ पता चलता हेनरी वहां से निकल चुका होता है। और दूसरी ओर वेट अपने डैड की सीक्रेट स्टोरेज से वो गन निकाल कर गन प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जब उस आदमी को होश आता है तो वो उस गन को वापस रख देता है और उस आदमी के पास जाता है। तभी वो आदमी वेट को देखकर उस पे अटैक कर देता है, पर वैसे ही हेनरी आके उसे मारता है और एक चेयर से बांध देता है और उससे सवाल पूछना स्टार्ट करता है। तो वो अपना नाम करी बताता है और ये भी कहता है कि वो शरीफ है। तभी वेट अपने डैड से कहता है कि कोई तीन लोग बाहर हैं। तभी हेनरी अपने बेटे से कहता है कि तुम बाहर मत आना, और जाके वही गन लेता है, पर उस गन से गन पाउडर की स्मेल आ रही होती है। तभी वो समझ जाता है कि ये गन यूज हुआ है, और तभी वो गन लेकर बाहर जाता है केचम के पास, और जहां वो कहता है कि वो एक चोर को ढूंढ रहा है और पैसे लेके भागा है, और उसका नाम करी है। पर हेनरी कहता है कि उसने कोई आदमी नहीं देखा इस नाम का, और कहता है उसे वहां से निकल जाने के लिए। और तभी केचम कहता है, आज रात दरवाजा बंद कर सोना, और वहां से चला जाता है। और हेनरी भी अंदर आता है और अपने बेटे को मारकर पूछता है, गोली किसने चलाई? पर वो पहले मना करता है और फिर कहता है कि इस टाउन में सब बच्चों को गोली चलाने आती है, मैं ही हूँ जिसे नहीं आता है, इसलिए मैंने टारगेट प्रैक्टिस की। तब हेनरी कहता है, मैं जब तक ना सिखाऊं तुम कुछ नहीं करोगे। और फिर करी के पास जाता है, जहां वो उसे पूछता है उनके बारे में। तब वो बताते हैं कि वो सब चोर हैं। तब हेनरी कहता है कि शरीफ के बैच लगाए चोर हैं। तब करी कहता है, उन लोगों ने मेरे और मेरे साथियों के बैच छीन लिए थे और मैंने उनका पैसा, और ये भी कहता है कि वो फिर आएंगे। तभी हेनरी अपने कमरे में जाके बैठता है शांति से। उसके बाद उन तीनों को दिखाया जाता है, जहां केचम
डुगन को सिर्फ हेनरी पर नजर रखने के लिए कहकर भेजता है और डुगन वहां से चल देता है अपने घोड़े के साथ और पहुंचकर अपने घोड़े को एक जगह पे बांध देता है और हेनरी के घर के सामने आकर खड़ा होता है और देख रहा होता है कि वेट अपना काम कर रहा होता है। तभी हेनरी बाहर आके उसे अंदर बुला लेता है। फिर हेनरी करी सवाल पूछता है कि वो कहाँ का है और उसने शेरिफ बनने का रास्ता क्यों चुना और कैसे चुना। ये सब पूछते पूछते उसे खिलाता भी है और जब उसे उस पे यकीन हो जाता है तब उसका एक हाथ खोल देता है खाना खाने के लिए और फिर उसे उसकी गन देता है और वहाँ से जा ही रहा होता है तभी गोली चलती और सब छुप जाते हैं। और फिर जब हेनरी देखता है तो वो डुगन रहता है और जब वेट आता है उसे वैसे ही एक गोली लग जाती है हाथ पे और उसके बाद हेनरी करी के गन लेके खड़ा होता है और डुगन उसके घर के नीचे लेटा होता है और जब हेनरी हलचल करता है तो वो गोली चलाने लगता है। तभी हेनरी अपने बेटे को वो गन दे के कहता है अगर कोई अंदर आए तो तब तक गोली चलाना जब तक कि उसे लग ना जाए और वो अपनी शॉटगन लेके बाहर जाता है और उस गोली से डुगन को मार देता है और अपने पिक को खाने के लिए उसे डाल देता है। उसके बाद हेनरी को वेट का फर्स्ट एड करते हुए दिखाया जाता है जहां वो दोनों गोली चलाने के बारे में बात कर रहे होते हैं पर हेनरी उसे मना भी कर रहा होता है जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम कुछ नहीं करोगे। तब वेट वहां से उठकर चला जाता है। उसके बाद सुबह होते हुए दिखाया जाता है जहां हेनरी बाहर बैठकर पैरा दे रहा होता है और उसके बाद एएल को दिखाया जाता है जो हेनरी का ब्रदर इन लॉ रहता है वो बर्ड हंटिंग कर रहा होता है। उसके बाद केचम को एएल के पास आते हुए दिखाया जाता है अपने साथी के साथ और वहां आके वो उसे हेनरी के पास्ट के बारे में बताने को कहता है पर वो मना करता है और तभी उन दोनों में झड़प होती है पर स्टिलवेल एएल को पीछे से मार के बेहोश कर देता है और कहता है कैसे इसे ले जाएंगे। उसके बाद हेनरी को करी के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है जहां वो उसे कह रहा होता है कि वो अपने बेटे के साथ यहां से जा रहा है और करी होता है कि वो केचम का ध्यान बटाएगा पर वैसे ही जब वो अपना सामान पैक कर रहे होते हैं तभी करी की नजर बाहर पड़ती और वो देखता है कि केचम यहाँ आ रहा है और फिर हेनरी और वेड भी देखने लगते हैं और जब हेनरी वेड को कहता है घर में रहने के लिए पर वो कहता है कि वो भी साथ जाएगा बाहर और जब जाता है हेनरी के साथ तो केचम के बहुत सारे आदमी देखकर वो दोनों फिर से अंदर घर में चले आते हैं। फिर केचम वहां आकर हेनरी से कहता है करी को उसके करने के लिए और उसके बदले वो उसे और उसके बेटे को जाने देगा पर हेनरी कहता है उसे चले जाने के लिए और फिर वो एएल को बंदी बना के लाते हैं और ये देख हेनरी अपने गन्स और बुलेट लेता है और बाहर आता है और कहता है कि वो उसके ब्रदर इन लॉ को छोड़ दे पर केचम कहता है उसे बस करी चाहिए उसके पैसे के साथ। तभी केचम कहता है एएल से कि वो हेनरी को कहे करी को लौटा देने के लिए पर एएल कहता है कि वो ये नहीं करने वाला है और वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है ये तूफान को छेड़कर। तभी केचम उसे देखता है और डायरेक्ट गोली मार देता है। तभी वेट इमोशनल होके बाहर आता है और गोली चलाने लगता है। तभी हेनरी अपने बेटे को बचाते हुए अंदर ले जाता है। दूसरी ओर करी को गोली लग जाती और वो लोग गोली चला रहे होते हैं ताबड़तोड़ और जब रुकते हैं और हेनरी को बुलाते हैं वैसे ही हेनरी डिसाइड करता है अपने पुराने रूप में आने का और जाके अपनी गोली लेता है और बाहर आता है जहां दूसरी ओर करी को भी पता चलता है कि ये वही लेजेंड है बिली द किड और ये बात वेट को ही पता नहीं रहती है। तभी हेनरी बाहर आता है और सबसे पहले केचम को एक गोली मारता है उसके बाद उसके सारे आदमी को मारने लगता है और फिर अपने घर में घुस जाता है और जब वो देखता है कि एक आदमी घर के पीछे से आने की कोशिश करता है ये देख हेनरी अपने बेटे को कहता है तुम बाहर मत आना और एक नाइफ लेके जाता है और उस आदमी को मार देता है और जैसे जैसे सब आते हैं वो सबको मारते चला जाता है। तभी स्टिलवेल से जब हेनरी का सामना होता है तो हेनरी कहता है उसे उसका बेल्ट निकालने के लिए पर यहाँ स्टिलवेल एक चलाकी दिखाने लगता है एक नाइफ लेके मारने की कोशिश करता है हेनरी को वैसे ही हेनरी अपना गोली से उसे मार देता है और जब वो चेक करता है कि कोई बचा है कि नहीं तभी उसकी नजर पड़ती है कि केचम वहां नहीं रहता है और तभी केचम गोली चलाने लगता और गोलीबारी होती है और तभी हेनरी को एक गोली लग जाती है पर हेनरी उसे मारता है और जब हेनरी केचम के नजदीक आता है तो वो फिर उसे गोली मारता है। तभी हेनरी आके उसके सामने खड़ा होता है और उसे मार देता है और फिर अपने घर जाता है जहां करी की हेल्प करता है और एक रूम में ला के उसे बैठाता है। तभी जब वो बात कर रहे
होते हैं, वैसे ही करी हेनरी को गोली मार देता है और कहता है कि मैं अब बन जाऊंगा पहला आदमी जिसने बिली द किट को मारा है। तभी ये देख वेट करी को गोली मार देता है और अपने डैड के पास आता है, जहां हेनरी उससे कहता है यहां से चले जाने के लिए। और फिर वेट को अपने डैड की लास्ट राइड करते हुए दिखाया जाता है और फिर अपने घोड़े से वहां से चल देता है और मूवी का द एंड हो जाता है।